अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम बताएंगे टैली में लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको एक बार फिर याद दिला दें, सिर्फ वीडियो देखने से आपको लाभ नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह से 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने टैली में जो नई कंपनीज बनाई थी उनमें से एक कंपनी यहाँ पर खोलकर रखी हुई है। नई कंपनी बनाना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। टैली में कंपनी क्रिएशन के बाद लेजर्स बनाना होते हैं, तो आइए पहले हम आपको लेजर के बारे में बता देते हैं। आपने मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस में अकाउंट यानी खाते के बारे में समझा था। टैली में अकाउंट को ही लेजर नाम दिया गया है। टैली में जब हम कोई कंपनी बनाते हैं तो उसमें दो लेजर, कैश तथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से ही बने हुए मिलते हैं। शेष आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाना होते हैं। मान लीजिए हमने कोई व्यापार शुरू किया तो हमें टैली में हिसाब रखने के लिए पहले कुछ लेजर्स बनाना होंगे। जैसे कि व्यापार के लिए हम कैपिटल लाएंगे तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट, किसी से उधार माल खरीदेंगे, उदाहरण के लिए अशोक ट्रेडर्स से उधार माल खरीदेंगे तो उसका अकाउंट, बैंक में खाता खोलेंगे तो बैंक का अकाउंट, जो भी खरीदी करेंगे उसके लिए परचेस अकाउंट, जो माल बेचेंगे उसके लिए सेल्स अकाउंट, हमने जो दुकान किराए पे ली है किराए के लिए रेंट अकाउंट इत्यादि हमें बनाना होंगे। टैली में लेजर बनाते समय हमें वो लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा ये निर्णय करके उस ग्रुप को चुनना होता है। वैसे तो हमने आपको पहले जो परिभाषाएं बताई हैं उस आधार पर आप लेजर से संबंधित ग्रुप का निर्णय स्वयं ही कर लेंगे, पर कई बार हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो चार्ट ऑफ अकाउंट्स की मदद ले सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही सरल तरीके से ग्रुप का निर्णय करना बताया है। टैली में जैसे ही हम कोई कंपनी ओपन करते हैं तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली की विंडो दिखाई पड़ती है। इसे हम टैली में जाने का मेन गेट यानी मुख्य दरवाजा भी कह सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग हेडिंग्स जैसे मास्टर्स, ट्रांजेक्शंस, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं और इनके अंतर्गत कुछ ऑप्शंस भी दिखाई पड़ रहे हैं। हम एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को समझाएंगे। सबसे पहले हम मास्टर्स से शुरुआत करेंगे। मास्टर्स में पहला ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो। इसमें हमें अकाउंट से संबंधित ग्रुप्स, लेजर्स और वाउचर टाइप्स को बनाने, देखने और उनमें परिवर्तन करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। अभी हम लेजर्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अकाउंट्स इन्फो में जाना होगा। अकाउंट्स इन्फो में जाने के लिए कीबोर्ड पर ए की प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हमें लेजर्स में जाना होगा। देखिए लेजर्स में एल बोल्ड दिख रहा है और यदि आपको स्पष्ट ना हो तो डाउन एरो की से लेजर्स पर जाएं। ये देखिए एल लाल रंग का दिखाई पड़ रहा है, मतलब यही इसका शॉर्टकट है। एल की को प्रेस करें, ये लेजर्स वाली विंडो आ गई है। यहाँ दो हेडिंग्स दिखाई पड़ रही हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स। यदि आप एक बार में एक लेजर बनाना चाहते हैं तो सिंगल लेजर के अंतर्गत क्रिएट के लिए सी की को प्रेस करें। देखिए ऐसा करते ही लेजर क्रिएशन विंडो आ गई है। यहाँ तक आने के लिए हमने क्या क्या किया वो एक बार फिर शॉर्ट में बता देते हैं। सिंगल लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो पर जाएं, अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स पर जाएं,
फिर सिंगल लेजर में क्रिएट पर जाएं। व्यापार शुरू करने के लिए सबसे पहले कैपिटल लाई जाती है, तो पहले हम इसका लेजर बनाएंगे। चूंकि हमारे व्यापार का स्वामी एक व्यक्ति है, इसलिए हम प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लेजर बनाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के नाम से भी खाता खोल सकते हैं। यदि हमारे व्यापार के एक से अधिक स्वामी होते, यानी अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म होती, तो हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते समय उनके नाम के साथ खाता खोलते, जैसे श्याम्स कैपिटल अकाउंट, अशोक्स कैपिटल अकाउंट इत्यादि। लेजर क्रिएशन विंडो में सबसे ऊपर नेम के आगे हमें लेजर का नाम लिखना होगा। हमने टाइप किया प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। नाम लिखने के बाद एंटर या टैब प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ अंडर में पहले से ही कैपिटल अकाउंट ग्रुप दिखाई पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि टैली को मालूम है कि जब कोई व्यापार आरंभ होता है तो सबसे पहले व्यापार के स्वामी को व्यापार में कैपिटल लगानी होती है और उसके लिए टैली में कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और ये अकाउंट कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत ही बनेगा। यही कारण है कि जब टैली में हम पहला लेजर बनाने जाते हैं तो अंडर में कैपिटल अकाउंट ग्रुप ही दिखाई पड़ता है। हम इसे ही सिलेक्टेड रहने दे रहे हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद एंटर की प्रेस करते हुए आगे बढ़ते जाएं जब तक एक्सेप्ट विंडो ना आ जाए, और एक्सेप्ट विंडो आने पर एंटर करके लेजर क्रिएशन विंडो को एक्सेप्ट कर लें। देखिए, ऐसा करते ही हमारा लेजर बन गया है और अगला लेजर बनाने के लिए लेजर क्रिएशन विंडो फिर से आ गई है। मान लीजिए अभी हमें कोई और लेजर नहीं बनाना है, तो वापस गेटवे ऑफ टैली पर आने के लिए लगातार एस्केप की को प्रेस करें। चलिए अब हम अगला लेजर हमारे सप्लायर अशोक ट्रेडर्स का बना लेते हैं। इसके लिए पहले ए की, फिर एल की, फिर सी की को प्रेस करेंगे। यहां पर सप्लायर का नाम लिखें, एंटर या टैब की प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। अब यहां अंडर में हमें ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। देखिए, राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई पड़ रही है। हम जो लेजर बना रहे हैं वो जिस ग्रुप से संबंधित है वो हमें इस लिस्ट में से चुनना होगा। आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में ध्यान से ग्रुप्स के नाम देखें और निर्णय करें कि कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना है। यहाँ हम सप्लायर का लेजर बना रहे हैं और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि सप्लायर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में आते हैं, तो यहाँ ये निश्चित हो गया है कि हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप चुनना होगा। इसे चुनने के लिए ग्रुप के नाम का पहला अक्षर टाइप करें, जैसे हमने टाइप किया S। ऐसा करते ही इस अक्षर से शुरू होने वाले जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सभी एक साथ दिखाई पड़ेंगे। अब आप अप या डाउन एरो कीज की सहायता से संबंधित ग्रुप के नाम पर जाएं और एंटर प्रेस कर दें। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। यहां मेलिंग डिटेल्स में देखिए, हमने सप्लायर का जो नाम पहले टाइप किया था वो आ रहा है। अब यहां हम उसका पूरा पता टाइप कर देते हैं और अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब हम अपने बैंक का लेजर बना लेते हैं। लेजर क्रिएशन विंडो खुली हुई है, इसमें नेम के आगे बैंक का नाम लिखेंगे, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमें ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। हम बैंक अकाउंट्स ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आप चाहें तो यहां अपने बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स दे सकते हैं। हम अपने बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स यहां पर डाल रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां हमें बैंक की मेलिंग डिटेल्स देना होगी। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां आखिरी में ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, आइए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यवसायी किसी फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ में या मध्य में मैनुअल अकाउंटिंग बंद करके टैली में अकाउंटिंग प्रारंभ कर देता है, तो उसके मैनुअल अकाउंटिंग के जो भी क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो टैली के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे और वो सभी बैलेंस उसे कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रारंभ करने के पहले लेजर्स बनाते समय अपने यहाँ ओपनिंग बैलेंस में लिखना होंगे।
हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पर समझने के लिए हमने यहाँ 5000 लिख दिया है। एंटर प्रेस करते ही यहाँ आपको ऊपर आपने जिस तरह का ग्रुप सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से DR या CR यानी डेबिट या क्रेडिट लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। फिर भी यदि आप इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। डेबिट के लिए D टाइप करें और क्रेडिट के लिए C टाइप करें और एंटर करें। हम DR ही रहने दे रहे हैं। इस विंडो को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल और A कीज को एक साथ प्रेस करें। इस वीडियो में हमने आपको सिंगल लेजर यानी एक समय में एक लेजर बनाना सिखाया। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको मल्टीपल लेजर्स यानी एक साथ एक से अधिक लेजर्स बनाना सिखाएंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि जो लेजर्स हमने बनाए हैं उन्हें एक साथ कैसे देख सकते हैं।